फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल होममेड फूड एंड स्वीट्स में। आज हम बनाएंगे पनीर स्टफ कुलचा। ये खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है। आप इसे बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में और कभी भी बच्चों का मन करे तो बना के दे सकते हैं। ये बहुत इजी है बनाने में और बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च काट ली है, एक टमाटर काट लिया है, एक बारीक प्याज काट लिया है और ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। हमें थोड़ा सा बटर चाहिए, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है और ये थोड़ा सा हरा धनिया। ये मैंने आटा कुलचा ले लिया है और ये मैंने मेयोनीज और केचप को मिक्स करके एक सॉस बनाया है। इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डाल दिया है, इससे इसका अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रख देंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर और ये शिमला मिर्च डाल के इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें ये थोड़ा सा हल्दी, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये चिली फ्लेक्स और ये नमक टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा गैस हल्का करके और इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ये अपना पनीर मिला देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये इसमें जो हमने धनिया काटा था वो भी डाल के अच्छे से मिला देंगे और हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको ये गैस बंद कर देते हैं और ये हम एक बाउल में निकाल देते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। हमारी ये पनीर की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने ये मेयोनीज वाली सॉस बनाई थी उसको लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ फैला के अच्छे से लगा देते हैं। के बाद थोड़ी सी इसमें ये स्टफिंग भर के अच्छे से दबा दबा के, नहीं तो ये निकल जाएगा। और इसको इस पे रख के अच्छे से ऐसे प्रेस कर देते हैं। अब हम एक पैन रखते हैं, पैन में थोड़ा सा बटर डाल के, मैंने गैस ऑन कर दी थी पहले ही, वो उसको चारों तरफ बटर को घुमाकर और उसके ऊपर ये गैस को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर
हम लगा देंगे जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। हम चारों तरफ ये अपना बटर सारा इसी पे लगा के और इसको दूसरी तरफ से अच्छे से पलट लेंगे। देखते हैं उधर से सिक गया क्या। इसको दोबारा हम ऐसे ही पलट लेंगे। अभी और हम इसको एक बार सेक लेते हैं। ये देखिए हमारा कुलचा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। मैंने गैस बंद कर दी है और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी और यम्मी पनीर कुलचा इज रेडी। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिए, कैसा बना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना ही खाने में बहुत यम्मी लगता है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।